हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग, ब्यूटीफुल व्लॉग। पता नहीं व्लॉग कितना कहाँ तक जाएगा, अभी मैंने फिलहाल तो स्टार्ट कर दिया है। आई एम ऑल सेट, आफ्टर 2 वीक्स आई एम गोइंग टू डू माय लाइफ, सुपर एक्साइटेड। और आज मैंने सुंदर सा ये सेट पहना है, पूरा कुंदन का सेट है विद ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन विद कुंदन विथ ईयरिंग के साथ है। ये मेरे पास ना एक ही पीस बचा है, जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में लाइव में दिखाया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं दिखा। आज एक पीस बचा है जो मैंने सोचा आज के लाइव में मैं दिखा दूँ, बिकॉज ये पिंक साड़ी के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। ऐसे साड़ी के साथ भी आप पहन सकते हो, अगर गोल्डन विद पिंक है तो उसके साथ भी आप पहन सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल सेट, एकदम बोलते हैं टिपिकल घाघरा चोली पे या एक हैवी साड़ी पे या इवन एक सिंपल ऐसा प्लेन साड़ी को भी पूरा एनहेंस कर देगा। ऐसा मल्टी यूज़ वाला ये सेट है, पूरा ब्यूटीफुल सा कुंदन का। ईयरिंग भी बहुत प्यारा है। इसका प्राइस है ओनली 680 रुपीज़। यस, 680 का इतना सुंदर सा सेट है, एक ही पीस है। आई डोंट नो Who will be the lucky person to get this set? नहीं नहीं, ये सेट to get this set, I don't know लाइफ में भी किस कौन ले लेगा, इसको परचेज कर लेगा। देन आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल बैंगल, ये पूरा अलग टाइप का है। हाँ हाँ, चिट्टी वाला करेंगे तभी बुलाएंगे सालों को, चिट्टी वाले को टाइम है। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल बैंगल, ये मिरर वर्क वाला है, धागे के साथ पूरा उसको बनाया है, उसके ऊपर मिरर स्टिक किया हुआ है, ब्यूटिफुल सा है। तो ये मैंने रेड विद ग्रीन कॉम्बिनेशन किया है और दूसरे हाथ में मैंने पूरा पिंक कलर का पहना है। जो बीच में आपको कड़ा दिख रहा है ना, दो कड़े का प्राइस है 200 रुपीज। और ये जो पतले वाले बैंगल्स दिख रहे, चार बैंगल का प्राइस है 200 रुपीज़। अगर आप पूरा सेट लेते हो, मतलब ये एक है और दूसरे हाथ का ऐसा सेट है, तो पूरा सेट आपका 400 का होता है, लेकिन डिस्काउंट करके 380 में दोनों सेट आ जाएगा। ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है, देखिए साड़ी के साथ कितना अच्छा सा मैच कर रहा है। लेकिन मेरे पास ना लिमिटेड स्टॉक ही है, स्टॉक ज़्यादा नहीं है, और ये 200 का है, बहुत ही सुंदर सा। इसमें रेड, ग्रीन एंड पिंक तीन कलर अवेलेबल है। और आज मैं ब्यूटीफुल सेट्स दिखाने वाली हूँ, सिंगल सिंगल ऐसे गोल्डन वाले सेट। और मैंने सुंदर सा मंगलसूत्र पहना है, वाटी वाला, माइक्रो का वाटी है, 3 लाइन का है। इसका प्राइस जाएगा 380। ब्यूटीफुल सा 3 लाइन का ये मंगलसूत्र है, 3 लाइन में है, ये देखिए एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, पूरा माइक्रो पॉलिश के साथ है, सुंदर सा है, 3 लाइन में, प्राइस 380। अगर आपको वाटी नहीं चाहिए तो यू कैन चेंज एंड पुट समथिंग एल्स ऑल्सो, मतलब दूसरा कोई पेंडेंट आप चूज कर सकते हो, बट आई थिंक ये ऐसा भी बहुत सुंदर दिख रहा है वाटी के साथ। सो आई एम ऑल सेट फॉर माई लाइव, इट्स ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, 11:20 हो गए, सुपर एक्साइटेड टू माई लाइव आफ्टर 2 वीक्स। सब मुझे वही पूछ रहे थे, इसी तरह लाइफ कब आओगे, लाइफ कब करोगे। तो आप सबको एक साल से वो इतना रूटीन याद हो गया है ना, कि मैं नोटिफिकेशन भी नहीं भेजूँ तो भी मुझे सामने से पूछते कि इसी तरह लाइव होने वाला है या नहीं होगा, होगा तो व्हाट यू गोना शो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर, बोलते ना इतना आप लोग ने जो सपोर्ट दिया है कि मेरे ना बोलते हुए भी आप लोगों को बराबर याद रहता है सैटरडे आ रहा है, लाइव आने वाला है, तो होगा कि नहीं होगा। आई नो आप लोगों ने 2 सैटरडे बहुत मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया, बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आज मंगलसूत्र भी है, सेट्स भी है, बैंगल्स भी है, तो होप फॉर द बेस्ट कि आज का मेरा लाइव अच्छे से जाएगा। सो आई विल स्टार्ट माई लाइव, उसके बाद में फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ। बाय बाय। टुडे इज 4th मार्च, फाइनली दीप्ति एंड सुशांत को 3 महीना शादी को कंप्लीट हो गया। सो मैं तो लाइव करी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सुशांत डैडी और सानो तीनों बाहर गए, सो दे वेंट टू मेरवास। बट दिस टाइम सुशांत डिन गेट केक, ही गॉट, थोड़ा पीछे तो बाबू, इसको देखो, ही गॉट पेस्ट्री फॉर एवरीवन। और इसमें एक आपको अलग सा दिख रहा है, दैट इज फॉर मम्मा, बिकॉज मम्मा डजंट ईट चॉकलेट, यू नो। सानो की पिचकारी भी आ गई है, बारबी का होली है। इस बार तो सानू बहुत एंजॉय करने वाले, बिकॉज शी गॉट टू प्ले हियर ओनली। इस बार तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए थे, लास्ट 2 इयर्स वी वेंट टू मम्मास प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कोई पहचान वाला नहीं था, कहाँ खेले ऐसा था, बट इस टाइम तो बहुत सारे जाने सानू के साथ एंजॉय करने के लिए। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नाउ विथ होम शी गोइंग टू एंजॉय। होली के दिन ही जब मैं ब्लॉग शूट करूंगी तब आपको दिखाऊंगी क्या धमाल मस्ती करने वाली है। सुशांत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कम्प्लीटिंग 3 मंथ्स। दीदी किधर है? उसका सैटरडे है ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। काकी ला बोलो ना, पहले काकी ला बोलो ना। मेरा काकी है। हाँ, यू गो कॉल काकी। काकी। विच वन यू वांट? मैंने अलग बोला था। कौन सा? ये ही ना। दीप्ति कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 महीने फाइनली ना, बघता बघता कसं टाइम गेला ना, समजलंच नाही। आता लग्न करता 3 मंथ्स, अभी ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 3 साल हो जाएगा। काय म्हणते, कसं झालं तो एक्सपिरियन्स? अब तक अच्छा था ना, अच्छा ही जाएगा आगे भी। डॅडी तो मुझे बोले उसको जो पिचकारी चाहिए
वो दिला देना, जितना बड़ा चाहिए जो चाहिए। तो फाइनली मैं उसको यही दिलाई। निशु अभी क्या बोल रहे, इससे बड़ा नहीं मिला क्या, मतलब इससे छोटा। हाँ बट सानू वांटेड बिग। मैं उसको पहले टैंक वाला लेना जिसमें आराम से यू कैन स्टोर वाटर एंड, तो मुझे टैंक वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए करके। और हम लोग का इसमें फर्स्ट होली होगा जो मैं खुद यहाँ पे घर पे रहने वाली हूँ, प्लस दीप्ति का फर्स्ट होली है ना, फर्स्ट होगा यहाँ पे। सो व्हाट इज द प्लान, आगे पता चलेगा। सानू कितना कलर्स लेकर आई है, देखो ब्लू पिंक ऑरेंज एंड येलो, चार कलर लेकर आई है स्पेशली उसके लिए। बलून्स लेकर आई है और सब ऑर्गेनिक कलर लाया है, नॉट दैट फ्रेग्रेंस वाला, ऑर्गेनिक कलर लाया है। लेट्स सी हाउ शी इज गोइंग टू एंजॉय। श्री और दिस केक सैंपल मम्मा ने मुझे खिलाया, बोला हैप्पी एनिवर्सरी, बोला एक मिनट में बोला आधी इकड़े। ए भगवान। हाँ निशु तो बहुत रेयरली आपको दिखते व्लॉग में, कधी तरी भेटतो। तुम्ही असं सगळ्यांना भरवता भरवता तुमचा केक पूर्ण संपला, एवढा नकोच आहे मग ठीक आहे, एवढा नकोच आहे मग ठीक आहे। छोटू सा ये छोटू था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। एंड फाइनली वी आर गोइंग दीप्तिस प्लेस फॉर सिखट। शादी के बाद का जो रसम होता है ना, मतलब दूल्हे वाले दुल्हन के पास जाते हैं और दुल्हन वाले दूल्हे के घर पे आते हैं फॉर नॉनवेज पार्टी टाइप ट्रीट होता है जो, तो हम लोग का अभी तक पेंडिंग है। वेरी सून वी आर गोइंग टू प्लान दैट, बट अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं दीप्ति के यहाँ पे क्योंकि सुशांत इज गोइंग टू फ्लाई सून। और आज संडे है, लास्ट संडे भी निशु को छुट्टी मिल गया था लकीली, तो सुशांत ने निशु को वही पूछा कि इस संडे भी अगर छुट्टी मिल सकता है तो मिल, प्लान एंड फिनिश इट ऑफ, बिकॉज निशु अभी तक एक बार भी दीप्ति के घर पे नहीं गए। तो दीप्ति के मम्मी डैडी भी वही बोले थे कि कोशिश करो संडे अगर छुट्टी मिल जाता है तो एटलीस्ट वंस यू कैन कम टू आवर प्लेस, बाद में तो पता नहीं कब आने मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दिस ब्यूटीफुल शर्ट वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अजियो, बहुत ही सुंदर है, ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन और एकदम परफेक्ट निशु को फिट हो रहा है, लुकिंग स्मार्ट ऑल्सो इन दिस। एंड सो वी आर गोइंग। और मैंने ये देखिए टेम्परेरी वाला ना स्टिक वाला नेल्स आर्ट कर दिया है, ये प्लास्टिक के नेल्स है जो हम लोग ने DIY से, मिस्टर DIY से लिया था। दिस इज ओनली फॉर 120 रुपीज, सेट ऑफ टू, मतलब ये दोनों हाथ के लिए है, लेकिन मैंने तो एक ही हाथ पे लगाया। इसमें ग्लू नहीं लगा, इसको ऐसे ना ग्लू टाइप स्टिकर्स था, तो वो स्टिकर्स नेल्स पे रख के उसके ऊपर मैंने ये आर्टिफिशियल वाला किया। इसको डिज़ाइन भी है नेल आर्ट फ्लावर जैसा, लाइट क्रीम कलर का, टेम्परेरी नीचे बोले टेम्परेरी ठीक है, अभी पता नहीं कितने दिन तक ये टिकने वाला है। जब आई थिंक पानी में काम करोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ग्लू ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, एकदम लाइट ग्लू है, मतलब जो स्टिकर है बेसिकली। बट एटलीस्ट अगर आपको कोई इवेंट में जाना है टेम्परेरी एक दो दिन के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच ईजी। अगर आपके पास नेल आर्ट करवाने जाने के लिए टाइम, जैसे मेरे पास सुष्मिता के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, एंड प्लस मेरे नेल्स अभी एकदम चिप हो गए, एकदम एंड तक आ गए, तो अभी उसके ऊपर ना वो नेल आर्ट होगा भी नहीं, एक्रेलिक नेल जेल नेल होगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग नेल्स लगता है। अभी जब तक मेरे नेल्स लॉन्ग ग्रो नहीं होंगे तब तक मैं जा नहीं सकती, तो मैं इसके लिए टेम्परेरी लेकर आई थी कि सैटरडे लाइव में पहन के आई डू द लाइव, बट रह गया। मैं सोचा आज मेरे पास टाइम है तो आज मैं कर देती हूँ, सो आई एम रेडी। मैंने ये सिंपल सा कुर्ती पहन लिया है और ये वाला बैग जो दिखती है मेरे लिए लेकर आई थी सिंगापुर से वो लिया है, इवन दो इट्स नॉट मैचिंग स्टिल आई टुक इट एनीवेज। और मैंने ना ब्यूटीफुल से इयर रिंग पहना, इसमें आई थिंक मैंने 3 से 4 कलर पहन लिया है। फर्स्ट आई वोर दैट ग्रीन कलर का जो सबको पसंद आया था, जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उसके बाद मैंने लाइट पिस्ता ग्रीन पहना था गाँव में, और आज मैंने ये वाला पहना। दिस इज़ ना मल्टी कलर, मतलब गोल्डन विद डायमंड है, न्यूट्रल कलर है, तो आप कोई भी ड्रेस या कोई भी साड़ी के साथ इसको पहन सकते हो। और इसमें मेरे पास आई थिंक 5 पीस आया था, एक मैंने मेरे लिए रखा, 4 मैंने सेल के लिए रखा था, जिसमें से 3 चला गया। इवन श्रुतिका मैम इज टेकन दिस, और अभी एक पीस मेरे पास बचा है, तो किसी को बुक कराना है तो बोल दीजिए। इसको 199 रुपीज़, ब्यूटीफुल सा है डायमंड का, कोई भी साड़ी ड्रेस कुर्ती टॉप के साथ आप पेयर अप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा ना कुछ ड्रेसेस के साथ साड़ी के साथ समझ में नहीं आता क्या ज्वेलरी पहनो, तो ऐसे टाइप का अगर आपके पास बैकअप रहे ना तो फट से निकाल लिया पहन लिया काम हो गया, एंड लुकिंग नाइस ऑल्सो इन बोथ द इयररिंग। सो आई एम सेट, सानू इज ऑल्सो सेट इन दिस फ्रॉक, थोड़ा मुझे मैच हो रही है वो रेड रेड करके। और सुशांत एंड दीप्ति ऑलरेडी बोरवली पहुंच चुके हैं,
मतलब दे आर ऑन द वे पहुँचने वाले। वो लोग सुबह ही निकले थे यहाँ से धारावी जाने के लिए, भाईंदर गए थे जो हम लोग का मेन मंदिर है। मतलब मम्मी हर साल धारावी जाती थी जब हम लोग भाईंदर रहते थे, बट अभी यहाँ से विरार से बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो मम्मा लाइक फ्लाई होने से पहले प्लीज़ धारावी मंदिर जाकर आओ, तुम दोनों पैर पड़ के आओ, देव दर्शन करके आओ। तो फाइनली अभी बोल सकते कि हम लोग का सारा देव दर्शन खत्म हो गया है। अभी कुछ ऐसा मेजर पेंडिंग नहीं है, अभी जो भी बाकी धीरे धीरे यहाँ वहाँ जा जैसे होते ही रहेगा जाना आना, बट जो मेन थे वो सब हो गए। तो वो लोग वहाँ से उन लोग ने लंच बाहर किया, उसके बाद अभी घर पे गए, मतलब ऑन द वे पहुँच ही रहे। थोड़ी देर में हम लोग से पहले वो लोग ही पहुँच जाएंगे। अभी तो हम लोग 5:30 बजे निकल रहे हैं, 6:20 का AC ट्रेन है एंड लेट्स गो। क्योंकि गर्मी है ना, फर्स्ट क्लास का भी नॉर्मल, इसमें भी फर्स्ट क्लास जाएंगे तो भी बहुत गर्म होने वाला है, तो इसलिए गए हुए AC ट्रेन। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द डे। सो वी आर वेटिंग इन द लॉबी। ये रही मम्मी, मम्मी से मिलाया नहीं था मैंने आपको। निशु और सानवा गर्म के ओर होते हैं, उससे उतर के फिर भी गर्म हो रहा है, बिकॉज चालू हो गया गर्मी। अभी तो होली जलेगा तो और भी गर्मी एकदम स्टार्ट होने वाला है। ठंडी भी जम के था, गर्मी भी जम के होने वाला है। और होली के लिए तो वी आर सुपर एक्साइटेड। एंड निशु और सानू गए रिक्शा लाने के लिए, तो अभी रिक्शा लेके आएंगे, फिर हम यहाँ से डायरेक्ट स्टेशन जाएंगे और वहाँ से AC ट्रेन पकड़ के दित्ती के। मैं तेच बोलत होती ब्लॉग मध्ये की फायनली दिवस आला दित्तीचे घरी जायचं, जाऊया जाऊया बोलता बोलता एकदम एंड पे आ गए। सुशांत का भी तो कभी भी टिकट आ सकता है फ्लाई होने के लिए, तो बोलते ना एकदम टेकी वर आले वर ते झालं, पण एटलीस्ट हो गया। वो अच्छा है कि पेंडिंग नहीं रह गया। निशु को लकीली संडे छुट्टी मिल गया इसके, वरना वेनसडे को फिर दीप्ति को छुट्टी का प्रॉब्लम है, फिर उसको काम पे से आना पड़ता था, ऐसा ऐसा इश्यूज होता था, मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली हो गया संडे, निशु को छुट्टी मिल गया, तो वी आर गोइंग, लेट्स सी हाउ द इवनिंग गोज। वी हैव रीच्ड और हम लोग आगे आ गए। डैडी का रिक्शा अभी तक आया नहीं, सुशांत हैज कम टू टेक अस। अभी क्या ससुराल का ससुराल पहुंच गए अपने। आवाज दे ना काकी, आवाज दे काकीला, आवाज दे, लाजू नको। अरे काकी बोल, सानू आमची लास्ट आहे आवाज द्यायला काकीला। काय म्हणते हा, या घरची की त्या घरची, काय म्हणतात काका, बरे आहेत ना मावशी, कशा आहेत, बरे आहेत ना। निशु इज कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम है ना, मुंबई तो मुंबई है ना। दीप्ति भी बोलती बोरोली तो बोरोली है, होता ही है मुंबई साइड का एटमोस्फेयर, हवा फीलिंग है ना। देखा वो निशु, मम्मी का ही साइड है, निशु का साइड लेके आई न्यू दैट, फिर भी मैंने बोला देखते मम्मी क्या बोलती है। एक्चुअली सही है, जो अपना घर है वही सबसे बेस्ट होता है। सानू तो इतना शर्मा रही है, बोल ही नहीं रही है, दीप्ति के बाबा से भी बात नहीं कर रही, आई से भी नहीं, इतना शर्मा ही रही है। जस्ट कम, और हम लोग जब दीप्ति को देखने आए थे है ना, तवा पर हसन आ ले लो, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आज आए, एक वर्ष झालं ना, हाँ साखर पुड्याला 1 वर्ष, लग्नाला 3 महिने ना, ऑलमोस्ट 1.5 साल, हाँ 1.5 साल, हाँ 1.5 साल के बाद हम लोग आ रहे हैं। और दीप्ति काय म्हणतेस, आईचं घर ना है ना, मम्मी का घर है तो अलग ही फीलिंग है फेस पे, खुशी अलग ही है और होता ही है। और दीप्ति की मावशी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, दूसरी तीसरी, थर्ड नंबर दूसरी, सेकंड मावशी और दीप्ति की मम्मी, आई कैसे है, और इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिफ्ट नहीं रहा, तभी फील हुआ कि इसलिए दीप्ति की मम्मी नीचे नहीं होता, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट सेकंड फ्लोर चढ़ना होता ना, उनको भी नी प्रॉब्लम है, बट वेरी सून शिफ्ट होने वाले, ये भी जाएगा रीडेवलपमेंट में तो और भी बेटर हो जाएगा। दीपेश कुटे वो बाहर घूम रहे, उसको क्या काम है, अभी तो फ्री बर्ड है वो, हाँ जब उसका शादी हो जाएगा तब उसका भी बोलते ना गठबंधन बन जाएगा, अभी तो बोलते ना जहाँ जाना है जो करना है कर सकता है। उसका भी अभी पैर थोड़ा बेटर है, पहले से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है, बीच बीच में जाता है ऑफिस, बट मोस्टली इज ट्राइंग टू डू वर्क फ्रॉम होम ओनली। एंड सान हो मज्जा ना, हाँ अंदर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अब दादा वहनी भी आने वाले थे, कम बाय 7:38, तो मैं आप लोगों को दादा वहनी से भी मिलाती हूँ। दिस इज मटन भाकरी रायता एंड दिस इज चिकन, चिकन वालों के लिए चिकन एंड मटन वालों के लिए मटन, चिकन और मटन।
हाँ नहीं माला नहीं दोन भाकरी में एक कमी करीन एवढा दोन नहीं खाणार मी बंटी यू ईट चिकन ओनली ना चिकन नानो तोंड नीट कर नानो हाँ ते रायता मध्ये मैं किधर खाता अच्छा पोमोग्रेनेट वाला हाँ पोमोग्रेनेट वाला फाइनली डन लिविंग फ्रॉम हियर छान होता और अच्छा था फूड बिरयानी चिकन एवरीथिंग इसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है जैसे सानू को कैसे हो गया था वैसे ही हो गया बट इज मच बेटर दादा थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग आणि मस्त झाला आता तो सगळ्याने यायचं आमच्याकडे विंटर कोमरा म्हटलं दोन दिवस राहिलंच या बिकॉज उनको नहीं अप एंड डाउन नहीं जमेगा तो लाइक पहले ही एडवांस में आके रह जाना तो नाउ वी गोइंग टू लीव फ्रॉम हियर लेट्स सी हम लोग को रिटर्न जाने के लिए कौन सा ट्रेन मिलता है सो बाय बाय सो बैक टू होम चेंज कर लिया फ्रेश हो गई इतना अच्छा लग रहा है ना एंड सच में हम लोग का इवनिंग बहुत अच्छे से गया दीप्ति के घर पे गए बैठे बातें किया गप्पा मारे बहुत अच्छा लगा दीप्ति के मम्मी के साथ मासी के साथ मौसी के साथ और दीप्ति के पापा के साथ दादा बहनी के साथ बहुत अच्छा लगा एक छोटा सा इवनिंग गेट टुगेदर फैमिली के साथ सो वी ऑल आर बैक होम एंड इट्स 11:40 उल्टा दिख रहा है ना मुझे हाँ 11:40 राइट नाउ सानू मम्मी डैडी के रूम में बैठ के टीवी देख रही है तो आई वाज चेंजिंग थोड़ा सा मैंने वाइंड अप भी कर लिया और जो कपड़े घड़ी करके रखे थे वो रख दिए अंदर अब थक गए अब नींद आ रही है अब सोना है कल की तैयारी अ न्यू डे अ न्यू बिगनिंग सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्मॉल मिनी ब्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग तब तक आप सब अपना ख्याल रखना और आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन इतना स्लो हो गया ना मतलब मुझे ज़्यादा कुछ उससे इतना ये नहीं हो रहा है बट कहीं ना कहीं फील होता है कि यार थोड़ा और सब्सक्राइबर बढ़ जाते तो अच्छा लगता था वो काउंट देखने में अच्छा लगता था तो प्लीज़ आप में से जितने जन मेरा ब्लॉग अब तक देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस आप शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स के साथ और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल थोड़ा और ग्रो हो जाए और लोगों तक मेरा ब्लॉग पहुंच सके ये पॉजिटिव स्माइल और ये पॉजिटिव फेस पहुंच सके सो येस ऑन दिस नोट ओनली आई एंड दिस ब्लॉग हियर ओनली मैं आप लोग को कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ तब तक आप सब अपना ख्याल रखना कीप स्माइलिंग टेक केयर बाय बाय गुड नाइट एंड सी यू